22,92,000 रुपयों के साथ दो संदिग्ध युवक पकड़े गए। पूछताछ जारी है, आखिर क्या है इन लाखों रुपयों का राज। जी हाँ, थाना सदर बाजार क्षेत्र में पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा है जिनके पास से 22,92,000 रुपए बरामद किए गए। यही नहीं, पकड़े गए युवक 5 लाख की ट्रांजैक्शन पहले कर चुके हैं। इतना पैसा इन युवकों के पास कहां से आया, पुलिस यही पता कर रही है। आपको बता दें कि थाना सदर बाजार पुलिस के मुताबिक GIC के सामने यूनियन बैंक के पास सदर बाजार पुलिस ने दो संदिग्ध युवकों को देखा, जिसके बाद इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद इन युवकों के पास से 22,92,000 रुपए कैश बरामद हुए। आपको बता दें, पकड़े गए युवकों के नाम सोहेल निवासी आमेटा सारनपुर और दूसरे युवक का नाम दिलनवाज निवासी फतेह उल्लापुर मेरठ है, जबकि इनके साथ एक अन्य तीसरा युवक भी सामने आया है जिसका नाम वाशिद है और ये देवबंद का निवासी है। और इसी युवक के अकाउंट से ये लेन देन का मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि युवकों से तलाशी के दौरान पुलिस को एक दर्जन पर्चियां भी बरामद हुई हैं, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी भी इस जांच में जुट गए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है बेगमपुर के पास में, वहाँ पर दो लोग पकड़े गए हैं। इनके पास में कैश काफ़ी मात्रा में था तो इनको थाने लाए गए। इनसे पूछताछ हो रही है, इनके पास कैश कहाँ से आया है। इनकम टैक्स के अधिकारी थाने पर आ गए, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह मामला बेहद संदिग्ध दिखाई दे रहा है। पुलिस का भी मानना है कि पकड़े गए युवक पूरी तरह से जांच में सहयोग नहीं कर रहे। अब पुलिस बैंक अधिकारियों और आयकर विभाग की टीम के साथ मिलकर इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने में जुटी है। अब देखना होगा क्या सच निकल कर सामने आता है। जय भीम टीवी के लिए मेरठ से राहुल राणा की रिपोर्ट।